टॉन्सिलाइटिस के मरीजों में क्या खाना दिया जाए और क्या खाना ना दिया जाए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम बच्चों में ज़्यादा होती है। टॉन्सिल के साथ स्पेशल प्रॉब्लम क्या है कि ये खाने के रास्ते में पड़ती है, इसलिए अमूमन बच्चा खाना भी छोड़ देता है और पीना भी छोड़ देता है गले में दर्द के कारण। खाना होना चाहिए वो न्यूट्रिशनली बैलेंस होना चाहिए और थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए और लिक्विड के फॉर्म में हो तो बढ़िया है, ताकि वो आसानी से पेट के अंदर चला जाए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि खाना एकदम से गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए, सॉलिड नहीं लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए और आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और उसके अंदर न्यूट्रिशन भी हो, विटामिन हो, प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, जिससे ये जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं वो बने और आसानी से इन्फेक्शन क्लियर हो जाए। ज़्यादातर केसेस में टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम या तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या वायरस का इन्फेक्शन है उससे होती है, और अपना शरीर 7 से 10 दिन में अमूमन इस वायरस और बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। पर डिहाइड्रेशन नहीं हो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसलिए लिक्विड डाइट देना है जो कि आसानी से बच्चा खा पी लेता है। आप वेजिटेबल के सूप पिलाएं, उसको 2-3 बार दे सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल हो, गोभी हो, इसके अलावा पालक हो, लौकी भी हो सकती है, कोई भी तरह की वेजिटेबल है उसका सूप पिला के देंगे गुनगुना, तो आसानी से वो पी लेगा और न्यूट्रिशनली भी अच्छा होता है। इसके अलावा दूध दिया जा सकता है, जूसेस दिए जा सकते हैं, पर जूस में ये ध्यान देना है ऐसे फ्रूट के जूस हों जो खट्टा ना हो। तो इसलिए आप चाहें तो अनार का दे सकते हैं, अंगूर का दे सकते हैं। जो जूस अवॉइड करना है उसमें संतरे का जूस अवॉइड करना है, क्योंकि संतरे में खट्टापन होता है, एसिडिक नेचर होने के कारण वो जो टॉन्सिल इन्फ्लेम्ड है उसको और इरिटेट कर देगा, इससे इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो स्पेशली खट्टे चीज़ों को अवॉइड करनी है, और इसके अलावा जो ज़्यादा गर्म चीज़ें होती हैं उसको अवॉइड करना है। जो चिकन सूप है वो भी दिया सकता है, उसमें न्यूट्रिशन अच्छा होता है, तो ऐसे बच्चे जो नॉन वेज खाते हैं उनको चिकन सूप दिया जा सकता है। इसके अलावा एक को भुर्जी के फॉर्म में दिया सकता है, बस 2 चीज़ों का ध्यान हो कि ज़्यादा उसमें मिर्ची ना हो और वो ज़्यादा गर्म नहीं हो। इसके अलावा कुछ हमारे मसाले और हर्ब्स हैं जिनका बड़ा अच्छा रोल होता है टॉन्सिल को कंट्रोल करने में। एक तो हल्दी है, हल्दी वाला दूध दिया जा सकता है जिससे एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। इसके अलावा तुलसी है, हनी और अदरक, हनी और अदरक भी बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो हनी के अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है और अदरक के अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। इसके अलावा स्मूदी बना के दिया जा सकता है फ्रूट्स की, कम से कम 6 से 7 गिलास पानी पर डे का चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन एक बड़ी समस्या होती है ये टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट में। अब जो चीज़ नहीं देना है उसमें एक तो है कि साइट्रस फ्रूट जूस है उसको नहीं देना है, मतलब कि ऑरेंज नहीं देना है। दूसरा, ऐसी कोई चीज़ जो सॉलिड हो, जैसे कि क्रैकर्स आते हैं या ड्राई टोस्ट है या ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं जो सॉलिड होते हैं, टॉन्सिल को इरिटेट करते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं देनी है। ऐसे खाने जिसमें ज़्यादा मिर्ची होता है या मसाला होता है या ज़्यादा खट्टी चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी, जैसे कि अचार हो गया या चटनी हो गई, या मार्केट में बहुत अलग अलग तरह के पैक्ड वाले आइटम होते हैं जिसमें सिरका डला होता है, तो सिरके को भी अवॉइड करना है, ज़्यादा गर्म चीज़ नहीं देनी है। इसके अलावा एल्कोहल बहुत ही उसका बुरा इफेक्ट है, स्मोकिंग का बहुत ही बैड इफेक्ट होता है, तो एल्कोहल और स्मोकिंग दोनों अवॉइड करनी है अगर एडल्ट को ये टॉन्सिल की प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो बाजार में जैसे कि चिप्स हैं या कुरकुरे हैं, राइट, वेपर्स वगैरह, ये छोटे बच्चों को नहीं देना। इसमें साल्ट होता है, मतलब ज़्यादा नमक होता है, ज़्यादा मिर्च होती है, उससे ये टॉन्सिल की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो इस तरह के भी आइटम नहीं देने हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं अवॉइड करनी है, राइट। तो जिसमें ज़्यादा मिर्ची हो, जो ज़्यादा गर्म हो, जिसमें ज़्यादा खट्टापन ना हो, वो सारी चीज़ें, जो चीज़ ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में हो वो अवॉइड करनी है। तो ये कुछ खाने में बदलाव हो गया, साथ में रेस्ट करना है बच्चे को, दर्द अगर ज़्यादा हो, बुखार ज़्यादा हो तो उसकी दवाई दे सकते हैं, और इसके अलावा एंटीबायोटिक भी कुछ केसेस में दिया जा सकता है। अगर ऐसा लगता है कि फीवर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बच्चे को बोलने में दिक्कत हो रही है, आवाज़ में बदलाव, बुखार नहीं उतर रहा है, कान में दर्द होने लगा है या टॉन्सिल बड़ा हो गया है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, उस केसेस में एंटीबायोटिक का भी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। बट ये कुछ खाने में बदलाव थे, इस तरीके से घर में हमें खाना देना है बच्चे को और एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स करना है। हो सकता है कि कुछ केसेस में उसको फिर भी और दिक्कत हो, मतलब कि उसको
रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो या टॉन्सिल क्रोनिक लंबे समय तक चलने वाला हो गया हो या बार बार हो रहा है, तो उस केसेस में फिर डॉक्टर को आप दिखा के टॉन्सिल को निकलवाया भी जा सकता है। तो ये कुछ टॉन्सिलाइटिस में जो बच्चों में खाने में बदलाव है उसके बारे में जानकारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।